अब मैं चारू की ज्यादा बढ़ाई नहीं करना चाहता, वरना घर में दिक्कतें आ जाएंगी। मेरी चलेगी नहीं बिल्कुल भी। सारी बातें उन्होंने कह दी, मुद्दा भावनाओं का ही होता है। ये चौधरी अजीत सिंह जी के हृदय में, उनके दिल में आपके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, इसलिए 80 साल के उम्र में जिस क्षेत्र से लगातार वो चुनाव लड़ते आए, उस क्षेत्र को बदल करके यहां आपके बीच आपके उम्मीदवार बनकर आपका आशीर्वाद लेने, आपका सहयोग मांगने लगातार इस चुनाव में आपके बीच हैं। ये सिर्फ भावना ही है, उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है। वो तय कर सकते थे, सोच सकते थे कि अब मेरी राजनीतिक यात्रा में मैं संतुष्ट हूं, लेकिन वो आपकी स्थितियों को देख करके, किसान की हालत को देख करके, देश की स्थितियों को देख करके उनका मन नहीं करता रुकने का, थकने का। सुबह उठते हैं, आप ही का ख्याल करते हैं, रात को सोने से पहले आप ही की चिंता करते हैं। और आप देख रहे हो, मेरा तो परिवार भी है, मेरे उम्र के जब होते हैं, अतुल भी है, मैं पूछ रहा था, आप उनकी भी वाइफ बहुत एक्टिव हैं। हम लोग जो हम उम्र हैं, मेरी दो छोटी बच्चियां हैं, मेरा तो मन करता है कि मैं घर जाऊं, उनके साथ खेलूं, मैं बाकी सब कुछ भूल जाता हूं। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत एक परिवार एक जीवन, उसमें आदमी पूरी दुनिया भूल जाता है। वो एक प्यार अनोखा होता है, किस्मत वाले को वो प्यार मिलता है। लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी को भी वो प्यार मिल रहा है, लेकिन आपके प्यार के आगे वो प्यार भी उनके लिए फीका पड़ जाता है एक एक पल। और इसलिए सवाल मान सम्मान की और उन भावनाओं की कदर करने की है। मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि आपके इस उत्साह को देख करके हम लोगों का भी मनोबल बना है। मुझे विश्वास है, जिस तरह की सभाएं मेरठ में, देवबंद में, कल बागपत में, सभी जगह हो रही हैं, टूट के सामने लोग आ रहे हैं, और सिर्फ दर्शक बनने नहीं आ रहे, सिर्फ फोटो खींचने नहीं आ रहे, जुनून है, भावनाएं हैं, एक जोश है, उम्मीदें हैं। मैं मानता हूं आपके इस विश्वास के आगे, आपके इस ताकत के आगे उनका झूठ, उनकी नफरत, सरकारी तंत्र, मंत्री संतरी सब शराबी अंदाज, जहरीली भाषा टिकने वाली नहीं कि जनमत है। ये चीज इनको समझनी पड़ेगी, झुकना सीखना पड़ेगा। पब्लिक ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था, आपने छलाए देश को, आपने छलाए, अपमान किया है देश के गरीब का। मुझे एक उपलब्धि कोई बता दे, मैं तो बात करता हूं, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनके पास बहुत प्रभावी तंत्र है। देश के भोली भाली जनता और मतदाता को इन लोगों ने घेर कर रखा है 5 साल। हर 2 महीने में कुछ इतना बड़ा पिटारा इनके पास है, निकाल के नई चीज लेके आते हैं, अलग ढंग से दिखाते हैं, कहते हैं ये तो ऐसी नई चीज हो गई। पुरानी बात आप भूल जाते हो कि भाई इन्होंने कहा क्या था। 5 साल पहले किसान के बीच में गए थे और कहा था 14 दिन में पेमेंट होगा। 2017 में आपके बीच आए, कहा चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में हम किसान के लिए योजना बनाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। और काले धन की तो जितनी हम कम बात करें वही अच्छा है। इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत काला धन है, कोई 3.5 लाख करोड़ बताता था, कोई 6 लाख करोड़ बताता था, कोई उसका उन बातों की अब कोई हम क्या चर्चा करें। सरकार बनने के बाद वही सरकार वही लोग कह रहे थे हमें कोई अंदाजा नहीं भाई बाहर कितना, और फिर बाहर कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई काला धन तो तुम्हारे घर में है, जिन्हें हम भक्त कहते हैं उनसे पूछते हैं भाई तुम्हें वो दिन याद है कि नहीं, कहते हाँ याद है, लेकिन उसमें अब मोदी जी को हम क्या दोष। भैया क्यों नहीं दोष दोगे,
किसने फैसला लिया था, क्यों लिया था, क्या मिला? 1000 का नोट तो काला धन है और 2000 का नोट क्यों लाए, उसके पीछे क्या कहानी है, उससे क्या लाभ मिला? चौपट हो गया धंधा। आज तक भी जिन लोगों का काम उन दिनों में बिगड़ा था, आज तक भी वो खड़े नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा बुरी सजा मजदूर को झेलनी पड़ी, गरीब को झेलनी पड़ी। व्यापारी के लिए तो मैं बताऊं, जब ये हम कस्बे में बैठे हैं, यहां व्यापारी होंगे, बाजार में उन दिनों में खौफ था, डर था अजीब सा। अपने पैसे को लेकर आदमी डर रहा था, और जो कि व्यापार के लिए जहर होता है जहर, ये डर आज तक भी वो डर मिटा नहीं है। क्यों भाई, तुमने कोई गबन किया है? यहां कोई अत्याचारी है क्या? यहां कोई हमारी सभा में कोई अत्याचार करने वाला गठबंधन की सभा में नहीं है। साफ मन और साफ दिल के लोग हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं देश में। आपने क्यों सजा काटी? आप पे क्यों वो जो है गाज गिरी? पूरे देश का भार आप क्यों उठाओगे? मरने का ठेका आपका है, सौदेबाजी का ठेका उनका है। और अब जब हम लोग इनको घेरना चाहते हैं किसान के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के विषय को लेकर के, तो क्या कहते हैं? आप सब बुद्धिजीवी हो, पहले दूसरी चीजें चला करती थी, आपने कई चुनाव देखे होंगे। आज हर एक मतदाता अपने मन से वोट डालता है। क्या आपका कोई ठेकेदार है क्या? अब मैंने कुछ गलत कह दिया कि हर एक आदमी मन से डालेगा? मैं कहता हूं मैं ठेकेदार हूं तब मैं गलत, और मैं कह रहा हूं भाई मैं ठेकेदार नहीं, मैं किसान की बात करना चाहता हूं, तब मुझे गलत। चौकीदार क्यों लिख रहे हो भाई, ठेकेदार लिख दो ना, मिटा दो चौकीदार। और एक और इनका इनका रहस्य मैं बता रहा हूं आपको, इस पर भी सोचना। चाय वाला फकीर बाबा चौकीदार है, पकोड़े वाला पान वाला पंचर वाला, ये इन बातों को क्यों कहते हैं? नहीं, इस बात को समझो, गहराई से सोचो। अपने आप को गरीब जैसा बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ग के लोग हैं, जो चाय की दुकान चलाता है, जो रिक्शा ढकेल चलाता है, जो चौकीदारी करता है, इन लोगों को अपने पक्ष में करने की, इन्होंने एक भी दिन मेहनत नहीं करी है जितनी मेहनत आप करते हो, ये दिखाना चाहते हैं। चंदा तो ये अदानी अंबानी से ले रहे हैं, इनका कोई चाय वाला दोस्त हो सकता है? ये चाय वाले के हमदर्द हो सकते हैं? ये किसी चौकीदार को जानते भी हैं? बस फर्जी लिख दिया चौकीदार। पहले लोग कहते थे भाई चोरों से बचना, गुंडों से बचकर रहना, सामाजिक आदमी तो कहीं लड़ाई होती उससे भी थोड़ा ऐसे दूर सा हो जाता। अब लोग कह रहे हैं चौकीदार से ही बचियो। अब मैं इनके घोषणा पत्र को देख रहा था, इन्होंने कहा है, पहले तो कुछ कुछ जगह इन्होंने सत्यता बताई है, गलती से सरस्वती इनकी जुबान पे आ गई, इन्होंने ये लिख दिया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के लिए लिखना था कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध ना हो पाए, और उन्होंने कहा महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के लिए हम कानून में परिवर्तन लाएंगे। नहीं, आप पढ़िएगा बारीकी से लिखा है इन्होंने, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूं यहां। इमरती तो खाने की चीज हो जी, जौनपुर की इमरती बड़ी फेमस है, अब वो जा रही है कहां, वहां जाइए, वहीं जाके लड़ रही है आसपास से, अमेठी से। अब मेरे दिमाग में मिठाई घूम रही है। इन्होंने ये कहा हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बदलेंगे, अब वो अनिवार्य नहीं होगा। एक तरह से इस बात को वो स्वीकार रहे हैं जो हम लगातार इस बात को कहते आए कि लूट है लूट। आज वो ये कह रहे हैं हां भाई लूट थी, अलूट थी, क्यों योजना बनाई?
क्यों डमरू पीट पीट के बता रहे थे, ढोंग कर रहे थे कि हमने किसान के लिए बहुत बड़ा कर दिया काम। क्या काम किया? सरकारी कंपनी थी 2016-17 वर्ष में एक सरकारी बीमा कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए का मुनाफा किया। मुनाफा उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि कितना क्लेम दिया और कितना उनको जो प्रीमियम मिला, 1600 करोड़ रुपए। अगले साल से सरकारी कंपनी को पीछे हटा दिया गया, तुम मत करो, और 10 से 12 प्राइवेट कंपनी निजी कंपनियां उसी काम में जा गई, और अगले दो साल में 16000 करोड़ का मुनाफा उन निजी कंपनियों को बीमा के धंधे से हुआ। नाम लगा रखा किसान का। आज ही मैंने देखा अखबार में सिरसा के किसान थे, 2017-18 का उनका क्लेम था, ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई थी, उन्होंने हर एक किसान ने 900 या 997 रुपए अपने खाते से दिए प्रीमियम, और उतना ही जो है राज्य और केंद्र की सरकार ने दिया है, यानी 2050 रुपए तक प्रीमियम बीमा कंपनियों को रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए किसान ने दिया था। अब जो फसल उनकी खराब हुई थी, 1.5 साल बाद उनको पैसा मिल रहा है, एक किसान को मिल रहा है 10 रुपए 21 पैसा का चेक, 10 रुपए का चेक मिल रहा है। कर्ज माफी हुई थी, वहां भी यही खिलवाड़ था। अब ये कह रहे थे 6000 दे दिए, यहां किसी को 6000 मिले क्या? ये ठीक कहा आपने, क्योंकि इससे ज्यादा ब्याज बनता है गन्ने के किसान का हक, इससे ज्यादा पैसा। डीजल आपका महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सिलेंडर महंगे हो गए, खाद महंगी हो गई, ये तो कुछ नहीं है। और आप ये सोचो कि चुनावी वर्ष में इन्होंने घोषणा की है बहुत दबाव में आकर, और नाम दिया किसान सम्मान निधि। ये मतलब इसे सम्मान बता रहे हैं, जो जितना इतना बड़ा दिल है इनका आपके लिए, इन्हें देना नहीं है कुछ, घोषणा ही करनी थी, और घोषणा करनी थी तो कुछ बड़ी करते, कहते भाई 20000 मिलेगा तब तो कुछ बात बनती, अगर कहते 20000 देंगे, मतलब जो राशि उनको देनी भी नहीं है उसमें भी कंजूसी कर रहे, वो आप ही के लिए है, क्योंकि किसान और नाम बता रहे किसान सम्मान, ये तो किसान अपमान है। ये बीमा राशि किसान के खाते से नहीं काटी जानी चाहिए, और जो अगली सरकार होगी इसमें व्यावहारिक ऐसे परिवर्तन हम लाएंगे ताकि छोटे मझोले किसानों पे इसका भार ना जाए। आपके खाते से पैसा नहीं जाएगा, सरकार उस पैसे को जमा करेगी। जिस सरकार ने एक भी दिन गरीब का सम्मान नहीं किया, आज उनका ढोंग देखिए, प्रधानमंत्री जी पांव धो रहे हैं, उन सफाई कर्मियों के पांव जिनके प्रधानमंत्री जी ने धोए आपके डर से, 4 महीने से उन्हीं को वेतन नहीं मिल रहा, उन्हीं को, उनका सम्मान पांव धोके नहीं किया। उनका सम्मान तब होता अगर आप उनकी नौकरी पक्की करते। आपने एक की नौकरी पक्की की नहीं, आपने रोजगार खत्म करने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो जालिम लोग, वो सरकार जो एक सीधे साधे किसान को अपनी लड़ाई जो लड़ना चाहता है दिल्ली देश की राजधानी में जाने से रोकती हो, किसान घाट जाने से रोकती हो, राजघाट जाने से रोकती हो, उस सरकार के एक एक एमपी को इस चुनाव में दिल्ली जाने से आप रोक देना। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, प्यार से अपना काम निकालना, बूथ के प्रबंधन पे नजर रखना, कोई आप पे अत्याचार करता है पीछे हटने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी वोट गेर लो बस। जो मैंने कहा था इनको तमाचे लात घूसे सब कुछ वोट से हैं, हम लोग गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी गांधीवादी थे, और कोई सच्चा चौधरी चरण सिंह को मानता हो अपना आदर्श वो भी गांधीवादी है, तो इसलिए हमारी एक एक वोट से जो हम उनको जवाब दें।